आपका मेरे चैनल धागों के खेल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको ये बिग साइज चेयर का कवर बताने जा रही हूँ, जिस पे मेरे पापा जी यानी मेरे ससुर जी इस पे बैठ के पूजा किया करते थे। आज मैंने इसका मेकओवर करने का सोचा। ये इतना अच्छा बना कि मैं इसके आप लोगों से शेयर करने से नहीं रोक सकी अपने आप को। इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। पुराने सोफ़ा कवर जो अब नहीं यूज़ हो रहे थे लेकिन उसकी शाइनिंग बरकरार थी, और कुछ पुराने कार टॉवल। सबसे पहले चेयर का बैक का मेज़रमेंट करके उसमें से ये इस थ्री सीटर में से वो पार्ट निकालना है हमें। ऐसा करना है कि सेंटर वाला पार्ट हमारे बीच में आवे, और हैंडल के पास की कटाई करनी है। नाप के 10 इंच आया था तो वो 10 इंच कट कर देना है हमें। यहाँ से दोनों साइड से 10-10 इंच पे कट लगाने के बाद इस तरीके से दोनों साइड से कट लगा देना है, जिससे कि वो हैंडल वाला पार्ट अलग होए और ऊपर से ऊपर बैक जो आता है वो ज्वाइंट रहे। क्योंकि ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट अलग अलग नहीं किए हैं, ज्वाइंट ही रखा है। सेंटर के पार्ट से फिर दो पीछे की तरफ वाला दोनों फोल्ड करके और जो एक्स्ट्रा आता है उसे कट करके निकाल देना है, और दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर देना है। इससे हमारा बैक वाला पोर्शन रेडी हो जाएगा। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती है जिसका यूज़ हम नहीं करते हैं, और इतनी भी बेकार नहीं हुई रहती है जिसे हम हटा दें। तो इन सब चीज़ों का ये यूज़ बहुत ही बेटर लगा मुझे। आप भी ऐसा करते हो तो कमेंट जरूर करें। जो पार्ट कट किए हुए 10 इंच पे उसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है रोज को अंदर करते हुए आगे पीछे दोनों में और दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड रोएज अंदर करते हुए फोल्ड कर देना है। और फिर ये ऊपर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा चेयर का बैक वाला पोर्शन ये तैयार हो गया। अब आते हैं बेस पे। बेस के लिए मैंने ये एक कार्ड टॉवल लिया है पुराना, इसे बेस का मेज़रमेंट करके उसी के नाप से इसे कट कर लेना है। टॉवल को इसके किनारे वाले पार्ट को हटा देंगे। हटाने के बाद तीन पार्ट में मैंने यहाँ पे 3 लेयर लगाया है। इस टॉवल का 3 लेयर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। ये तीनों लेयर को चारों कॉर्नर से ज्वाइंट कर देना है। आप चाहें तो चारों तरफ सिलाई भी लगा सकते हैं। और इसी नाप का बेस तैयार कर लेना है सोफ़ा कवर से। इसका भी सेंटर ध्यान रखना है कि बीच में आवे। और फिर ये टॉवल जो तैयार किया हुआ है बेस के लिए इसको इसके अंदर डाल देना है। अंदर डालने के बाद टॉवल का एस और ये कवर का एस दोनों को मिलाते हुए पिन लगा लें। फिर इस पर पक्की सिलाई चला देंगे और यहाँ नीचे की तरफ 2 बेल्ट बना देंगे। 2 बेल्ट एक साइड और 2 बेल्ट एक साइड। आप चाहें तो और भी बेल्ट डाल सकते हैं। दोनों को बेल्ट लगा के ये फोल्ड कर देंगे। थोड़ा बहुत ये हल्का सा बाहर आ रहा है उसे हम अंदर करते हुए इसे बांध देंगे। और ये देखिए हमारा ये बेस भी तैयार हो गया। नई चीज़ें तो हम बाज़ार से ख़रीदते ही हैं, लेकिन आप पुरानी चीज़ों का रीयूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। ये फाइनल लुक देखिए, ये हमारे चेयर का बैक है और ये बेस है। बेस को रख के ये बैक वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ से कर देंगे, तो थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा अगर टॉवल तो भी पता नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए मैं इसे बना के सचमुच में बहुत खुश हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।